ये देखिए फ्रेंड्स, कोकोनट खीर या ड्राई फ्रूट्स खीर देखने में लग रहा है ना आकर्षक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। फ्रेंड्स, मैं रुचि आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट खीर रेसिपी या कोकोनट खीर रेसिपी। फ्रेंड्स, नारियल खीर या ड्राई फ्रूट्स खीर बनाने के लिए हमने यूज किया है ये एक ताज़ा फ्रेश नारियल, मखाना का लावा, चीनी स्वादानुसार, किशमिश एक छोटी कटोरी, छोटी कटोरी बादाम, काजू एक छोटी कटोरी, दो बड़ा चम्मच देसी घी, दो छोटी इलायची और ये आधा लीटर दूध। दूध हमारा उबला हुआ है, कच्चा दूध नहीं है। सबसे पहले नारियल को छेद कर इसके पानी को निकाल लेंगे और इसे तोड़कर इसके नारियल को बाहर निकाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। बादाम को इस तरीके से लंबे पीसों में काटेंगे। छोटी इलायची क्रश कर लिया है। नारियल में इस तरीके से होल करके इसका पानी निकाल लेंगे। संभाल कर करें घी का, हाथ में न लगने पाए। खीर बनाने के लिए नारियल के पीछे वाले भाग को रिमूव कर देंगे, इसे निकाल देंगे। इससे हमारी खीर या ड्राई फ्रूट्स खीर व्हाइट बनेगी, देखने में आकर्षक लगेगी। खीर बनाने के लिए हम इस पतले वाले कद्दूकस का यूज करेंगे। अब इसे इस तरीके से रेत लेंगे, ये इस तरीके से खड़ा करके रेतना है ताकि ये छोटा छोटा चावल की तरह पतला पतला निकले। इसे देख पा रहे हैं, छोटा छोटा जैसे चावल होता है उसी तरीके से काटा हुआ है। ये देखिए, इतनी ही लंबाई होनी चाहिए जितना मोटा हमारा नारियल है। इंडक्शन ऑन करके एक पैन चढ़ाते हैं। एक छोटा चम्मच घी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। छोटी इलायची, काजू, बादाम, किशमिश, एक मिनट भून लेंगे। मखाना का लावा, एक मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। नारियल, इसे भी हल्का सा भून लेंगे, एक मिनट, ज़्यादा नहीं, बस एक मिनट। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स खीर बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस लगता है। आप इसे किसी भी फास्ट पर खा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो आप इसमें चीनी न डालें, ये वैसे भी मीठा लगता है किशमिश से। इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आधा लीटर दूध, इसे ढकना नहीं है नहीं तो ये बाहर आ सकता है। हम इसमें बहुत ही कम चीनी ऐड कर रहे हैं, आप अपनी स्वादानुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। अब जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाते रहेंगे। फ्लेम हाई नहीं करना है, इसे 3 से 4 मिनट पर चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ध्यान रहे, ये नीचे से जलना नहीं चाहिए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे।
फ्रेंड्स अब ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ये नीचे से पकड़ने ना पाए। अगर नीचे से पकड़ लिए तो सारा स्वाद इसका चला जाएगा। तो देखिए इसे एक एक मिनट पर चलाते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स कोकोनट ड्राई फ्रूट्स खीर बनकर तैयार है। अब इसे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स इसे बनाने में लगभग 25 से 30 मिनट लग चुके हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये डिलीशियस खीर बनकर तैयार है। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है, आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है, ब्लॉग के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम हर सैटरडे और वेडनेसडे को आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।